ये हम लोग जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है हम वहाँ खड़े हैं, और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। कल से ये आईसीयू बेड्स, 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहाँ भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से, मेरी समझ के हिसाब से, अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन बेड्स भी हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं, और अगले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। 22 टन ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी, ऑक्सीजन के टैंक बाहर लगे हुए आपने देखे। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी, वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं।